कैसे हैं आप लोग? आशा करता अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में दोस्तों बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए, जिसका 5-6 दिन पहले जो है एक नोटिस जारी हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस में अलग से ड्राइवर की भर्ती इस बार कराई जाएगी, जिसका जो है संशोधन के लिए जो है नोटिस भी जारी हो गया है और उस पर जल्द ही मोहर लगने के बाद में भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। तो दोस्तों अब काफ़ी भाई बहन परेशान हैं कि सर हम इसमें क्या इसकी योग्यता होगी, कितने पदों पर भर्ती आ सकती है, क्या सिलेबस होगा और इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिएगा, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बस आप लोग अपनी वीडियो को अच्छे से देख लें और समझ लें। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में आने वाले सही नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश मोटर परिवहन के अंतर्गत अलग से भर्ती आएगी और ये डिपार्टमेंट जो हो जाता है वो इससे संबंधित हो जाता है। ठीक है, पोस्ट की मैं बात करूं तो दोस्तों 8605 पोस्ट यहां पर रिक्त पद दिखाए हैं और योग्यता की मैं बात करूं तो 12th पास यहां पर आप रहने वाले हैं। कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास और चाहिएगा, EWS वालों को EWS का अपना सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक, तो डॉक्यूमेंट्स में यही रहेगा और आपकी योग्यता। इसके बाद मैं बात करता हूँ सिलेबस की। तो सिलेबस में देखिए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, ये तो सेम रहेगा रहेगा। इसके बाद जो GK का पोर्शन होगा उसमें देखिए गाड़ी के मेंटेनेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ गए? अभी तक देखिए कोई अलग से भर्ती नहीं होती थी, इस बार अलग से भर्ती हो रही है, तो ज़रूर ये जो है क्वेश्चन रखने की कोशिश पूरी पूरी करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो देखिए कांस्टेबल GD का जो अपना आरक्षी का जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है वही चाहिएगा, 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और आपका जो है रनिंग 5 किलोमीटर की रनिंग 25 मिनट में। अब देखिए यहाँ पर इसमें रनिंग में छूट मिल सकती है, उम्मीद है कि शायद रनिंग में छूट मिल सकती है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आई तो जब तक कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि रनिंग भी 5 किलोमीटर की ही रहे। ठीक, इसके बाद में देखिए, और ये दोस्तों कुछ हमारी बहनें पूछ रही हैं क्या इसमें कांस्टेबल मेल और फीमेल दोनों की, नहीं सिर्फ मेल, यहाँ पर जो है ये सीटें मेल के लिए ही निकलेंगी, क्यों अभी तक जहाँ भी वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर कांस्टेबल मेल ही यहाँ पर रहते हैं। मेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल सेम अपना जैसे कांस्टेबल का होता है वही सब कुछ होने वाला है आपका मेडिकल में, चेक आपका फ्लैट फुट हो गया, नौकनी हो गया, वेरिकोज वेंस हो गई, आपका कलर विजन हो गया, निकट दृष्टि दूर दृष्टि, यही जो है वो लैक्स हो गया आपका नौकनी, यही सारे पॉइंट है। बाकी मेडिकल आपका एकदम सेम जो है आरक्षी वाला ही होने वाला है। ठीक है, तो आप जो है समझ रहे होंगे अच्छे से, डॉक्यूमेंट में मैं बता दिया हूँ, आपको सिर्फ यही 10th और 12th पास की मार्कशीट चाहिएगी और आए मतलब आपका कास्ट और मूल निवास आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट चाहिए, EWS वालों को EWS का सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत अच्छी वैकेंसी है और इतनी अगर मात्रा में वैकेंसी आ गई तो मैं यकीन बता रहा हूँ कि बहुत कम नंबरों पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि DL जो है HMB वाला DL यहाँ पर हर किसी के पास में नहीं होता है और ये भर्ती अगर HMB पर निकलेगी, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है HMB पर निकलेगी क्योंकि ये लोग जो है ट्रक, देखिए अपना जो ये होता है PSC में ट्रक रहते हैं, बस रहती है बड़ी वाली, तो उसके लिए तो HMB चाहिए ही चाहिए, समझ गए मेरे भाई? तो यहाँ पर जो है अगर आपका नहीं है HMB तो बनवा लीजिए, आपका ही बेनिफिट यहाँ पर होने वाला। तो दोस्तों थोड़ी सी बात, अब सबसे बड़ी जो आपके कमेंट है, सर ये भर्ती कब तक देखने को मिल सकती है? तो दोस्तों पुलिस भर्ती के साथ ही ये भर्ती देखने को मिल सकती है। ठीक है, जो अपनी पुलिस की नई भर्ती आने वाली है तो इसके साथ ही भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस भर्ती का भी सेम ही प्रोसेस है, सब कुछ वही सेम होने वाला है, तो पुलिस भर्ती के आगे पीछे ये भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सर इसका ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा, तो एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ, तो एक बार आप खुद जो है नोटिफिकेशन देख लें। दोस्तों ये देखिए नोटिस है अपने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड प्रोन्नति बोर्ड का, इसमें जो है जो कांस्टेबल चालक है, मतलब जो नागरिक पुलिस आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी PSC में जो आरक्षी चालक है उसके चलन मतलब चयन हेतु चालन दक्षता परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक निर्देश, मतलब आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या करवाया जाएगा। ठीक है, मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के अनुसार देखिए चालन दक्षता परीक्षा का मापदंड है, चालन दक्षता परीक्षा 3 भागों में कराई जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या क्या है, सबसे पहले
गैराजिंग टेस्ट, गैराजिंग टेस्ट सबसे पहले क्या है, गैराजिंग टेस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, गैराजिंग टेस्ट में देखिए ड्राइविंग दक्षता, ड्राइविंग स्किल के परीक्षण के संबंध में जो अभ्यर्थी गैराजिंग करते समय गैराज की प्रतीकात्मक दीवारों सीमाओं को स्पर्श नहीं करते हैं अथवा गैराजिंग के चिन्हों को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हुए गैराजिंग करते हैं, उन्हें ड्राइविंग के लिए उपयुक्त फिट माना जाएगा। जो अभ्यर्थी गैराजिंग करते समय गैराज की प्रतीकात्मक दीवारों सीमाओं का वाहन चढ़ा देते हैं या उसे स्पर्श टच कर देते हैं अथवा गैराजिंग के चिन्हों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, उन्हें ड्राइविंग के लिए दक्ष नहीं माना जाएगा। ऐसा अकुशल अनस्किल्ड अभ्यर्थियों को ड्राइविंग टेस्ट में अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और वे आरक्षी चालक की चयन परीक्षा से बाहर माने जाएंगे, साथ ही उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। समझ गए, जो ड्राइविंग दक्षता होगी जिसमें क्या वो झंडी वगैरह लगा देते हैं ना, वही है ये। यहाँ पर क्या बनवाएंगे, 8 बनवाएं या L बनवाएं वो बात अलग है। गैराजिंग मतलब यहाँ पर जो है गैराजिंग के संबंध में इन्होंने दिया। दूसरा क्या होगा दोस्तों, रोड ड्राइविंग टेस्ट दूसरा है दोस्तों, देखिए रोड ड्राइविंग टेस्ट। तो गैराजिंग टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों से सड़क पर यातायात नियमों का पालन करते हुए निर्धारित गति एवं यातायात संकेतों के अनुसार वाहन चलवाया जाएगा। सही एवं सुरक्षित ढंग से वाहन चलाते हुए सफल पाए गए अभ्यर्थियों को योग्यता, इसके विपरीत पाए जाने वाले को अयोग्य घोषित किया जाएगा। आपसे देखिए ट्रैक मत पर नहीं, आपको रोड पर चलवाया जाएगा वाहन, ठीक। इसके बाद तीसरा, समानांतर पार्किंग टेस्ट। यहाँ पर देखिए गैराजिंग टेस्ट एवं रोड ड्राइविंग टेस्ट में सफल पाए गए अभ्यर्थियों का समानांतर पार्किंग टेस्ट लिया जाएगा। समानांतर पार्किंग, दो हल्के गाड़ियों के बीच 15 फीट की दूरी के मध्य गाड़ी पार्क करना होगा। समझ गए, समांतर पार्किंग, दो हल्के गाड़ियों के बीच, दो गाड़ी खड़ी होंगी उनके बीच में 15 फीट की दूरी के मध्य गाड़ी खड़ी पार्क करना होगा तथा गाड़ी पार्क करते समय अभ्यर्थी पीछे नहीं देखेंगे। तो आप समझ गए होंगे आपसे जो है ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा, ठीक। तो ये दोस्तों देखिए विभागीय परीक्षा चल रही थी, ये आरक्षी चालक के पद पर चयन हेतु पात्र 40 अभ्यर्थियों की चालन दक्षता परीक्षा दिनांक 4/10/2023 से 5/10/2023 के मध्य राज्य आपदा मोचन बल SDRF नूरनगर भद्रसा तहसील सरोजनी नगर परगना बिजनौर में कराई जा रही है। देख रहे हैं आप, ग्राउंड पर संपन्न कराई जानी है। अभ्यर्थियों को चालन दक्षता परीक्षा की तिथि व समय के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अलग से उपलब्ध कराई गई है। तो आप लोगों ने देख लिया है अपना आराम से, आपको यही कांस्टेबल जब चालक का होगा आपका नई वाली भर्ती का, तो आपका भी जो है यही सब करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपका जो है क्या क्या जो है मापदंड हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाकी बात करते हैं अब। तो आप लोगों ने देखा ट्रिक टेस्ट में ये लोग क्या क्या कराते हैं। देखिए अभी डिपार्टमेंटल भर्ती चली जिसके 40 पद थे, तो उसमें इन्होंने जो है जो स्किल टेस्ट कराया उसमें 3 स्टेपों में स्किल टेस्ट कराया था, ठीक है। तो आप लोग भी समझ गए होंगे यही स्किल टेस्ट आपका भी करवाया जाएगा, ठीक। तो बाकी आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज़बरदस्त रहिए, ले लीजिए अपना फलेक्शन, कर दीजिए माँ बाप का नाम रोशन और अपना आने वाली जो पीढ़ी है उसके भविष्य के लिए अच्छा काम कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। अगर किसी का कोई डाउट है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो ड्राइवर की भर्ती है इससे रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।